हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, रितु राठी व्लॉग्स में। और अभी सुबह सुबह उठ चुकी हूँ और ये देखो बाहर, आज सुबह क्या लेट ही हो रखा है, धूप निकली हुई है अच्छी। अभी चलते, तबीयत ठीक नहीं है और कल रात को ऐसे भी दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। और हैं चाय पीते हैं, देखो 9 बजे हुए अभी। धूप अच्छा है, मौसम तो वैसे बारिश ही दिखा रखी थी लेकिन आई नहीं। अभी बनाते अपनी चाय, आज रात नहीं आ रही थी। तो अभी सुबह सुबह बनाई हुई है, इसमें चावल बन रहे हैं और यहाँ पे बनाई है राजमा और बर्तन भी साफ कर लिए हैं। आज तो सारा काम हो गया है, और उधर लगा रखी है भाई मशीन, कपड़े धो रही है, मशीन भी लगा दी है कपड़ों के लिए। ग्यारह बजे हैं अभी तो, आज जल्दी हो गया मेरा सारा काम फटाफट। तो अभी चलते हैं बाहर, बाहर आपको कुछ दिखाती हूँ क्योंकि खुशी के पापा गए थे, इन्होंने बताया था मुझे। ये हमारे घर के ना बिल्कुल सामने घर है और ये कहीं जा रहे होंगे और पता नहीं सेल करेंगे घर को या रेंट पे देंगे। तो अपना जो सामान इनका यूज़ का नहीं है ना, तो सब बाहर निकाल दिया है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब ऐसे ही करते हैं। तो अगर वो चेंज कर रहे हैं, जगह दूर जा रहे हैं और सामान नहीं ले जा सकते या फिर उनका यूज़ का नहीं है ना, तो यहाँ पर भैया ऐसे नहीं है कि कबाड़ी आ गया कबाड़ी वाले को देते हैं हम, तो यहाँ पर बाहर रख देते हैं। और किसी को अगर यूज़ का हो, किसी को चाहिए तो उठा के ले जाते हैं और नहीं तो वीक में आ जाते हैं यहाँ पे उठाने के लिए, और फिर वो अपने गाड़ी में डाल के ले जाते हैं भाई। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, तो ये देखो इन्होंने सोफ़ा रख रखा है और ये अलमारी भी रख रखी है, वो कर रखा है। कल तो ये 2-3 सामान रखे थे, आज सारा रख रखा है इन्होंने। जो इनका है नहीं यूज़ का, वो शायद बच्चों का है जिसपे बच्चे खेलते हैं। और ये पानी का स्विमिंग पूल लग रहा है। और ये वॉकर, बारिश आई थी शायद रात को, सब गीला हो रखा है तो ऐसे ही रखा है भाई सामान। उसमें पता नहीं क्या है, वो डिब्बे और टायर रखे हैं और ये 2 सोफे रखे हैं। तो जिसको जैसे अगर आसपास में किसी को जरूरत होगी तो उठा ले जाएंगे, नहीं तो फिर वो कबाड़ी वाले ही आएंगे उठाने। कबाड़ी वाले ही हैं यहाँ पे, वो जैसे जैसे अपने होते हैं ना गाड़ी में आएंगे, ट्रक आता है और फिर उठा। कई जगह पे तो मैंने देखा है बहुत अच्छा सामान होता है और मैंने देखा था उठाते भी हैं। ये तो चलो मान लो कि भाई ख़राब ही लग रहा है मुझे लगभग, बाकी कई तो नए नए भी सामान रख के चले जाते हैं क्योंकि वो दूर लेके नहीं जा सकते उसको, और शिफ्ट हो जाते हैं कहीं और, तो फिर ऐसे ही रख के चले जाते हैं, घर में भी छोड़ जाते हैं ऐसे ही सारा का सारा सामान। तो ऐसे होता है, तो जिसके यूज़ का हो उसको तो ये मान लो फ्री में मिल ही जाता है सारा सामान, तो अपना उठा ले जाओ। देखो कौआ आया हुआ है, मैंने तो पहली बार देखा यहाँ पर। हमें ही नहीं दिखते अब तो कौवे, और मैंने यहाँ देखा है आज सुबह धूप थी और अब फिर ठंडा हो रखा है और हवा चल रही है तेज। वैसे ठीक है, बादल आए हुए हैं, ऐसे ही यहाँ पे मौसम, अगर एक पल में धूप है तो फिर बारिश हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब धूप में भी बारिश आ जाती है या इतना ठंडा मौसम हो जाता है। तो अभी थोड़ी वॉक करती हूँ यहाँ पे क्योंकि काम तो ही गया है सुबह सुबह, फिर और क्या करें। अब ये भी चले जाएंगे,
खाना खा के फिर सारा दिन आप लोग कहते रहते हो क्या बनाओ बनाओ क्या बनाऊँ, फिर मैं कहीं नहीं जाती तो वही है ना कि फिर घर का मैं कितना व्लॉग बनाऊँ। यही बना सकती हूँ कि अभी उठे हैं, अब खा लिया है, अब नहा लिया है, अब वीडियो बना रही हूँ, अब बाहर जा रही हूँ, तो फिर आप ही बता दो फिर क्या बनाऊँ। तो यही रहता है भाई, सिंपल सा रूटीन है अपना, उठा काम किया फिर दिन में घूम लिए या फिर कहीं चले गए कहीं बाहर, और फिर शाम को आके फिर वही अपना खाना पीना, क्योंकि अपना तो सुबह शाम यही चलता रहता है, खाना पीना बनाओ खाओ बस, और यही है। हाँ लेकिन ये है कि यहाँ पे वॉक अच्छी हो जाती है सुबह शाम अगर किसी को करनी हो तो। और मैं तो यहाँ पे है ना, देखो दिखाती हूँ, यहाँ पे साइड में है ना ये प्लॉट खाली है, और यहाँ पे जो बेंच दिख रहा है ना वहाँ पे बैठ जाती हूँ, कई बार धूप आती है ना तो दिन में अच्छा मौसम होता है तो ये सही है, ये जगह मुझे अच्छी लगती, तो यहाँ बैठ जाते हैं, वो कराती हूँ कई बार तो दूर तक, तो ऐसे ही रहता है, बाकी तो सब ठीक है। और उधर जो जैसे खाली है ना प्लॉट, इससे पीछे रोड है और ये सामने डॉग दिखा, ये देख के ही भोंकता रहता है, पता नहीं सुबह मैं ही दिखती हूँ इसको देख के, है ना मुझे अपने रियो की बहुत याद आती है भाई सच में। तो और तो कुछ नहीं, एक और चक्कर लगाऊंगी आगे तक जाऊंगी उधर, और फिर नहाऊंगी और उसके बाद खाना खाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह भूख है नहीं, उठ के चाय पी ली थी और फिर फटा देसी मैंने बना लिया भाई चावल राजमा, और फिर ठीक है खाएंगे। देखो ऊपर बादल कैसे आए हुए हैं, अब मैं इधर आ गई ना तो इधर ही आ लिया, ये इनका पीछे तक है तो इधर आके है थोड़ी सी जगह, उसमें से मुंह देके भौंकने लग जाता है। चलो अच्छा है, सुनसान नहीं लगता इसकी वजह से, वैसे यहाँ पे रोड पे कोई होता नहीं है ज़्यादा, और सब निकल जाते हैं असल में सुबह अपना काम पे और शाम को आते हैं। अपने इंडिया में ये है कि भाई बड़े बूढ़े होते हैं तो काम पे भी जाते हैं अगर, तो फिर घर पे दिखते हैं, गली में भी दिख जाते हैं घूमते फिरते, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। वही है हर जगह का अपना ही अलग वो है, देखो अच्छा है और वैसा भी है। अभी जैसे हम इंडिया में रहें तो हमें तो वही वही चीज़ अच्छी लगेगी जिस माहौल में हम रहे हैं, और अगर वही माहौल ना मिले तो फिर दुख तो होता ही है, पर क्या कर सकते हैं हर जगह का अपना ही अलग वो है। बस मैं काफ़ी दूर तक आ गई घूमते हुए, वातावरण अच्छा है लेकिन अपनों के साथ है ना तो फिर अच्छा लगता है, मन लगता है। वैसे तो अकेले रहना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। हवा चल रही है और आप सब को कैसे लगते हैं ना मेरे व्लॉग, वो बताया करो आप कमेंट में, बताया कमेंट करते हो ना तो अच्छा लगता है, थोड़ा ये होता है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, फिर बनाने का भी मन करता है। अभी कहीं जा रही हूँ और कुछ देख रहे हैं तो इस चीज़ को मैं इंजॉय करने के साथ साथ, आपको तो पता ही एक तो हम रिकॉर्ड ही करते हैं और एक बिना ही फ़ोन के हम उस चीज़ को ज़्यादा टाइम देते हैं, तो इसमें फ़र्क तो होता ही है कि हम वो टाइम निकाल के सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड करती हूँ फिर आके एडिट करके आप लोगों को दिखाती हूँ, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि अगर आप देखें, कुछ ये बोल देते हैं कि क्या देखें हमें नहीं देखना है उस्ट, तो क्यों नहीं देखना भाई, अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हैं मेरे बच्चों से प्यार करते हैं और तो फिर आपको ये भी तो अच्छा लगना चाहिए ना कि कहीं जा रहे हैं तो वो चीज़ आपको दिखा रहे हैं। अभी डेली पूरा दिन अब घर घर का दिखाऊंगी तो भी आप लोगों को ये हो जाता है कि दी अब बोर हो गए हम, तो वही है ना कि चीज़ें चेंज करते रहना चाहिए, तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि अलग अलग आपको दिखाती रहूँ जहाँ पे भी जा रहे हैं। you know, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इंजॉय कर रही हूँ ना वैसे ही आप भी कर सकें, देख सकें कि हाँ
कि भाई कैसी जगह है, कैसा देश है, वही है। तो इसीलिए बस आपके साथ शेयर करती हूँ जो भी चीज़ें होती हैं। तो बता करें कि आपको कैसा लगता है। अभी पीछे तक एक राउंड लगा के और अब मैं आ चुकी हूँ। एक उधर से लगा दिया था और अभी बनाएंगे खाना। तो बनाई है ये, मान लो बस अब नहाना है और तो एक बार डस्टिंग करूँगी, उसके बाद कपड़े सुखा दूँगी, मशीन में डाल रखे हैं और फिर खाना खा लेंगे। तो अभी बना लेते हैं भाई रोटी, भूख लगी थी इनको तो बाद में ही नहाऊंगी। तो चावल भी खाएंगे और दो दो रोटी बना लेते हैं भाई। बन गए हैं अपने चावल, नमकीन, राजमा और दही और रोटी, बहुत ही टेस्टी बन रहे हैं चावल, खाते हैं अभी। ये जो मैंने आपको बाहर सामान नहीं दिखाया था कि भाई बाहर रखा है और कोई मतलब उठा के ही नहीं ले गया था, तो अब देखो उठाने वाले आए हुए हैं, काउंसिल वाले आए हुए हैं और ये सारा उठा ले जाएंगे और मशीन में डाल के और इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब तो ऐसे उठा ले जाते हैं फिर बाहर से। दिन हो गए थे, गंदा लग रहा था और अब उठा लिया सारा और अब ले जाएंगे। यहाँ अपने की तरह कबाड़ी वाला तो है नहीं कि कबाड़ी को दे दो, तो अगर किसी का ऐसे यूज़ का नहीं होता तो फिर काउंसिल वाले उठा के ले जाते हैं। अब कर देंगे इसको सारा ख़त्म।